काश्मीर फाइल्स को आईएफएफआई जूरी मुख्य निंदा। फिल्म को अश्लील प्रचार बोली कहिले विचारक। बयान को नहीं बरसुछंती अनेक फिल्म कलाकार। चलित बर्ष गोआरे आयोजित 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रे सुपरहिट फिल्म द काश्मीर फाइल्स मध्ये शामिल होइथिला। तेबे एही फिल्म को आईएफएफआई मुख्य जूरी पक्षर निंदा करा जायछि। फिल्म टी अश्लील और प्रोपागंडा उपरे आधारित बोली कुहा जायछि। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 रो जूरी मुख्य तथा इजराइल फिल्म मेकर नादब लैपेंड का एही बयान बे वायरल होबार लागिछि। नादब लैपेंड आहुरी कहिछन्ति जे फिल्म फेस्टिवल रे एही प्रकार रो फिल्म को देखि मु चकित। फिल्म महोत्सव रे एही प्रकार रो फिल्म रो स्क्रीनिंग को देखि समस्त जूरी सदस्य स्तब्ध अछन्ति। किभली एही फिल्म को जातीय पुरस्कार मिलिला ताकु नै भी मु चकित बोली से कहिछन्ति। आईएफएफआई जूरी मुख्यक एभली बयान को नै अनेक फिल्म कलाकार बरसिछन्ति। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ट्वीट करी कहिछन्ति इजराइल फिल्म निर्माता नादर लैपेड द काश्मीर फाइल्स को अश्लील कहि आतंकवाद विरोध रे भारतर लढ़ई को उपहास करिछन्ति। से 7 लाख काश्मीर पंडित का अपमान करिछन्ति। एहा भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रो विश्वसनीयता प्रति बड़ झटका। सेबरे अभिनेता अनुपम खेर मध्य आईएफएफआई जूरी मुख्य बयान को नहीं प्रतिक्रिया प्रकाश करिछन्ति। से ट्वीट करी तांकु टारगेट करी कहिछन्ति जे मिछर उच्चता जेते उच्च हेउना काहिकि सत्य तुलना रे एहा सर्वदा छोट। सूचना अनुयायी विवेक अग्निहोत्री निर्देशना रे चलित बर्ष रिलीज होइतबा फिल्म द काश्मीर फाइल्स रे 1990 दशक रे काश्मीर घाटी रे काश्मीर पंडित सह होइतबा नरसंहारर यंत्रणा को चित्रित करा जायछि। एही फिल्म जरियारे काश्मीर पंडित यंत्रणा और तांकर संघर्षर हृदय विदारक कहानी को दर्शा जायछि। एहा सह धर्म राजनीति एवं मानवीयता उपर मध्य प्रश्न उठा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट राइजिंग ओडिशा।